हम लोग हॉस्पिटल वाली साइड पे जा रहे हैं, हमारी फाउंडेशन कंप्लीट हो गई है, आज कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर शुरू होगी और इसलिए आज वहाँ पे पूजा है। शिवानी पूजा करेगी, मेरा काम है सबका मुंह मीठा कराना। हीरा प्रसाद, बेसन लड्डू वीगन होते हैं, मेरा इनको देख के मन फिसल रहा है। अब अस्पताल तो हम बना लेंगे, लेकिन इसके लिए वेट कहाँ से लाएंगे? क्योंकि देखिए, हमारे को वेट मिलते हैं वो जो कॉलेज से हाल ही में निकले होते हैं, उनके पास अनुभव नहीं होता। जब तक सरकारी जॉब नहीं लगती, वो यहाँ पे अनुभव कमा लेते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, और जैसे ही उनकी सरकारी नौकरी लगती है, वो हफ्ते का नोटिस देके चले जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई यहाँ पे आके उनके मन में जानवरों के प्रति थोड़ी करुणा जाग जाती है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो मुझे तो ऐसे भी निर्दयी सरकारी वेट मिले हैं जिन्होंने कहा है कि भाई ये गली के कुत्ते, ये तो सर्जरी प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं। क्योंकि जिन कॉलेजों से पढ़ के आते हैं ना, वहाँ पे जानवरों के प्रति करुणा नहीं सिखाई जाती, वहाँ तो खुद मीट चिकन अंडा खिलाते हैं खाने में हॉस्टल्स में, तो वो क्या जानवरों के प्रति करुणा सिखाएंगे? वो तो हाँ ये बता देते हैं भाई, बकरे को काटने से एक हफ्ता पहले एंटीबायोटिक लगाना बंद कर देना और ये सब कुछ। खैर, हमारे को अपने अस्पताल के लिए एक या दो ऐसे वेट चाहिए जिनके पास अनुभव हो, जानवरों के प्रति काम करने के लिए उनके मन में एक पैशन हो, और एक अस्पताल खोलना है, चलाना है, ऐसा उनका भी एक सपना हो। कल हमारी टीम चंबी से एक डॉग को लेके आई, अंकित जी ने उसके बारे में हमें बताया था। इसके लिए हम 4 से 5 बार ऑलरेडी जा चुके हैं, और एक दो बार जब पकड़ में भी आया तो उसने हमारे 2-3 नेट फाड़ दिए और ये भाग गया। बहुत अग्रेसिव है बट बहुत ओल्ड है। इसके सर पे एक तो मैगेट वुंड है, दूसरा बेस ऑफ द ईयर में मैगेट वुंड है और डीप है काफी, साथ ही साथ इसकी आईज में भी प्रॉब्लम है। सर, इसकी बॉडी पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब इसको स्किन कंडीशन भी मुझे लग रही है। स्किन कंडीशन नहीं है, ये कुछ एक्सटर्नल इसके ऊपर चिपका हुआ है। कोशिश करेंगे जैसे धीरे धीरे हम इसको निकाल लें। आजकल हमें जो बड़ी सारी कॉल आती है ना, वो इस बारे में होती है भाई, किसी को पपीज मिलते हैं जिनकी माँ का आता पता होता नहीं, जिनके घर के आगे पपीज होते हैं, वो उन्हें इधर उधर कर देना चाहते होते हैं कि भाई हमारे घर के आगे गंदा करेंगे, तो लोग चाहते हैं कि वो पपीज हम ले लें। अब हम पपीज का करेंगे क्या? हम आखिरकार अडॉप्ट कराएंगे, लेकिन अडॉप्शन में टाइम लगता है और हम लिमिटेड पपीज को ही फॉस्टर कर सकते हैं। अब हमारे पास जगह भरी हुई है और मैं तो साफ मना कर देता हूँ। और बात जब आती है ज्योति पे, ये खुद अपने घर में पपीज फॉस्टर करना शुरू कर देती है। अब इस समय इन्होंने 3 पपीज को फॉस्टर करने के लिए अग्री कर लिया है। मेरे हिसाब से इससे क्या होगा, ये ठीक से सो नहीं पाएगी, अगले दिन इसकी परफॉर्मेंस खराब होगी और जितने एनिमल्स यहाँ पे हैं वो सफ़र करेंगे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ज्योति अपने घर में पपीज रख रही है, मतलब मेरी तरफ से परमिशन है, पर मेरे हिसाब से ये गलत डिसीजन है। मुझे लगता है कि जो इतने ज़्यादा छोटे पपीज हैं वो इजीली अडॉप्ट हो जाते हैं मोस्टली, ये 1-2 महीने के नहीं है, ये 20 दिन के पपीज हैं। ज्योति एक बात स्किप करिए, मेल पपीज अडॉप्ट हो जाते हैं। ये तो 3 पपीज चलो ज्योति फॉस्टर कर लेगी, इसके बाद जो कॉल आएगी तब क्या? तब हम मना करेंगे कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, लोग हमें बुरा बताते हैं। लेकिन आप बताइए, बुरा कौन है? वो लोग जो अपने घर के आगे से पपीज हटा देते हैं, या वो लोग जो अडॉप्ट करने से पहले पूछते हैं भाई मेल डॉग हमें चाहिए? यहाँ पे हो रही है शर्मीली की ट्रेनिंग। गौरव भाई जैसे ट्रेनर की हमें हमेशा से ज़रूरत थी और गौरव भाई ने हमारे डॉग्स को एजुकेट कर दिया है। शर्मीली उनकी एक एक बात मान रही है अभी तो। भैया, मैंने सुना है कि ये क्रॉल भी करने लग गई है आजकल। वाह, ये शर्मीली क्रॉल कर रही है, क्या बात है। अगर आप इस तरह के और क्लिप्स देखना चाहेंगे जहाँ पे गौरव भाई डॉग्स को ट्रेन करते हैं, उनसे अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं और ट्रेनिंग वाले जो सेशन है वो कवर करूंगी। एक काफ कांगड़ा से हमारे पास आया है, इसके बारे में अभिषेक जी ने मुझे इन्फॉर्म किया था। इसके 3 हूफ में मैगेट वुंड थे, एक में बहुत बड़ा घाव भी है। मुंह के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें एक इतना बड़ा होल है जिसमें मैगेट्स थे। जबड़ा टूटा हुआ था, जबड़े के लिए तो हमने कल वायरिंग की है इसके। 15 डेज हम अभी रखेंगे वायरिंग। वीक भी है काफी ज्यादा, खाने में भी हम इसको फीड ही दे रहे हैं पतला, क्योंकि ये ज्यादा चबा नहीं पा रहा है। मैं अभी आई हूँ हमारे उस एरिया में जहाँ पे हमारे नए बंगलोज की कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे पराल आई है हमारे पास ढेर सारी। हम इनको ना खेतों से लोगों से पैसों से खरीद के लाते हैं, कुछ गाय को खिला देते हैं, गाय की बेडिंग भी हो जाती है, डॉग की बेडिंग भी हो जाती है, ठंड के दिनों ज्यादा ठंड होती है ना यहाँ पे। यहाँ पे कृपालू भैया जी, भैया ने भी हमें खूब सारा पराल डोनेट किया है हमारे एनिमल्स के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे प्रतीक भाई साहब है हमारे फार्म मैनेजर। ये आज जो हमने मिर्चियाँ इकट्ठी की थी, और ये है चैतन्य भाई साहब, और यहाँ पे हो रहा है थंबनेल का शूट। मुझे ये सब इधर मूव करना होगा। रॉबिन को मूव होना पड़ेगा। अब थंबनेल लेने की तैयारी हो चुकी है पूरी, और यहाँ पे स्पॉट भाई साहब भी हाजिर हो गए हैं। हमारे पास एक और डॉग आया है छतड़ी से, अभिनव जी। डॉग भागता हुआ नजर आया, पैर में बड़े बड़े घाव हैं।
हम साथ में गए, उन्होंने भी मदद की, इसको रेस्क्यू किया। कंडीशन बॉडी कोट वगैरह की सब तो अच्छी थी, बस पैर में बड़े बड़े घाव है, तो शायद ये इसका अबैंडन पेट हो सकता है। बहुत क्यूट भी है, बहुत क्यूट है। आज पीपल फार्म पे आदित्य जी आए हैं दिल्ली से। हम यूट्यूब के तौर से आए हैं और 36 लोग हैं इंडिया से जिनको सिलेक्ट किया गया है यूट्यूब से, और वो उनको खुद फीचर करने वाले हैं और इनकी फॉलोइंग इससे बढ़ने वाली है और कुछ नहीं होने वाला, बस यही होने मेरी और इसकी भी। पीपल फार्म, मेन तो पीपल फार्म की। मैं हमारे मेल दर्शकों को कुछ खास दिखाना चाहता हूँ। एक यंत्र है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो है ये खेती के लिए नहीं है, ये बैलों की कास्ट्रेशन के लिए, और अधिकतर बैलों की कास्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया बिना एनेस्थीसिया दिए होती है, तो वो फुली कॉन्शियस होते हैं जब उनको इससे कैस्ट्रेट किया जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये कैसे यूज़ होगा। हम इस समय विपिन की कास्ट्रेशन करने लगे हैं, उसको हमने एनेस्थीसिया दिया है, वो पूरी तरह जब बेहोश हो जाएगा तब हम ये प्रोसीजर करेंगे। तो गौ पालन के नाम पे इंडिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक डी बडिंग भी होती है जिसमें गाय बैल के सींग बचपन में जला दिए जाते हैं बिना कोई एनेस्थीसिया दिए या बिना बाद में कोई भी पेन किलर दिए। इसको भागने की पड़ी होती है, यहाँ लोग कुत्ते लेके आ रहे हैं, तू बाहर जा रहा है। जिन 3 पपीज़ को लेके मेरी और ज्योति की बैक एंड फोर्थ हो रहा था ना हमारा, वो ये पपीज आ गए हैं। ये सारे मेल्स हैं? ये फीमेल है, बाकी सारे मेल। फीमेल आप अडॉप्ट कर रहे हो ना? मैं मेल कर रहा हूँ। यार ये क्यों, तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फीमेल अडॉप्ट नहीं हुई फिर हम क्या करेंगे? फीमेल अडॉप्टिंग तो कोई बात नहीं, पर घर वाले नहीं मानते। आप इंटरेस्टेड हैं? नहीं। ज्योति करेगी इन्हें फॉस्टर और देखते हैं। अभी अभी ज्योति आई ऑफिस में भाग के, बोल रही थी कि प्ले एरिया में बहुत कुछ क्यूट सा हो रहा है, तो मैं भाग के देखने जा रही हूँ। फुलझड़ी खेल रही है। फुलझड़ी के पीछे के दोनों पैर में नर्व डैमेज है, लेकिन रेगुलर फिजियो के साथ बहुत बेटर हो गई और वो फुदक फुदक के खेल रही है। फुलझड़ी अभी ज्योति आई है, इसने मुझे बताया कि कोई पपी आया है, उसके आगे के दो पैर नहीं चल रहे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उसको लेके आए हैं। आई थिंक वो उसको धर्मशाला में किसी डॉग केयर सेंटर में ले गए थे जहाँ उसको एंटीबायोटिक्स मिले हैं, उसको नहला भी दिया गया है। ये थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग है। आपने इसको क्या दिया था? पैरासिटामोल दी थी। उन मेडिसिन डॉग्स को नहीं दी जाती है ना कभी? अच्छा, ये इतना पता नहीं था हमें तो। उनके पास जगह नहीं थी रखने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर लेके आए। हमारे यहाँ तो पारवो ब्रेकआउट है, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें इसे यहाँ लेना पड़ा। अब इसके लिए मैं कोई फॉस्टर ढूंढूंगी और अभी इसका चेकअप हम करवाएंगे। जामुन के कर्तव्य देखिए आप। जामुन, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? सर, 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 प्लीज प्लीज सर। ज्योति, ये क्या है यार, तुम सबको क्या दे रहे हो? मेरे को ये डॉग्स के लिए च्यू स्टिक्स है। वाओ, एंड फाइनली मेरे को एक सॉल्यूशन मिल गया जामुन को चुप कराने का। वो 3 पपीज जो नगरोटा से रेस्क्यू होके आए थे, अभी अभी पता चला ज्योति से मुझे कि उनमें से एक पपी को अडॉप्ट करने के लिए हमारे फार्म पे कोई आया। अमन जी ने तो उन्हें रेस्क्यू किया था। दिव्या जी जो है वो अमन जी की कजिन सिस्टर है। दिव्या जी एक पपी अडॉप्ट करी, अमन जी ने तो कल पहले ही उनमें से एक पपी अडॉप्ट कर लिया था, चारों में से एक। दिव्या जी, ऑल्दो पहले पग लेना चाह रही थी, अब फिर आपका मूड कैसे बदला? पग तो एक वैरायटी है, वो तो हर कोई ले लेता है, और इनको एक घर मिल जाए वो सबसे अच्छी बात वही है ना। रॉबिन, हाय, हैप्पी दशहरा। नो वे, या टुडे इज दशहरा। मुझे पता होता दशहरा होता था। आज है, मुझसे गोप्रो छीन लिया गया है रॉबिन जी द्वारा। रॉबिन जी कैमरे पे क्योंकि किसी ने वैसे मुझसे तू तू करके बात करती है। झूठ, ये एकदम झूठ है, आपको लगता है ऐसा होगा? ये इंग्लिश में गालियां भी देती है। ये तो झूठ है। मैं एक अडॉप्टर से मिलने जा रही हूँ जो हमारे पपीज को अडॉप्ट करने आए हैं। जैक आज अडॉप्ट हो रहा है, शानू जी आए हैं स्ट्रेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बहुत दूर से आए हैं। हमने एक डॉग रखा था, 3 साल हो गए थे उसको रखे हुए, तो अचानक उसकी डेथ हो गई, फिर मैंने ये देखा, सोच रहा था इसको रखने के लिए, तो अब ये मिल गया। जैक भी बहुत लकी बच्चा है कि उसको आपका आपकी फैमिली मिल रही है, एक फॉरएवर होम मिल रहा है। आपने इसका नाम जैक ही रखना है या आपने कुछ सोचा है इसका कोई नाम? मैं ये सोच रहा था कि पहले वाले का नाम रख लूंगा। ये बेटी जी मुझे कभी भी किसी भी विजिटर से बात नहीं करने देती है, क्या बदतमीजी है। तरबूज, हमारे पास एक लैब्राडोर आया था, वो अबैंडन्ड था स्ट्रीट्स पर, करण जी ने इसको अडॉप्ट किया। अब करण जी दूसरी बार तरबूज को फिर से हमारे पास छोड़ के जा रहे हैं। हमें अचानक फ़ोन आया था और उन्होंने बोला कि हम तो ट्रीटमेंट करवा रहे थे और अभी इसे पालमपुर रेफ़र कर दिया है, मुझे कल निकलना है जॉब के लिए, तो अब आप इसको वापस रख लीजिए। उसका जो फ्रंट लेग है वो बहुत ज़्यादा स्वोलन था, ब्लड क्लॉटिंग्स थे,
और उसने लिख कर करके वहाँ पे घाव बना लिया है। इसके आईएनएस वाले एरिया में भी काफ़ी बड़ा एक वूंड है, चांसेस हैं कि शायद इसका लिवर डैमेज है। डिप्रेस्ड भी है क्योंकि तीसरी बार लगभग अबैंडन हो रहा है एक तरीके से। अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं किसी को, आप नहीं रख पा रहे, कोई दिक्कत आ रही है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि उसके दोबारा कोई हमारे घर ढूंढने तक आप उसको फॉस्टर कर सकते हो, उसका ध्यान रख सकते हो। लेकिन अचानक से बस यूँ कह देना कि आप रख लो, मैं तो नहीं रख पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। रेस्क्यू केसेस रुक जाते हैं और बस फिर हम हेल्दी पपीज, हेल्दी डॉग्स को वापस यहाँ ले आते हैं। मुझे बहुत देर से पपीज़ की इस साइड से आवाज़ आ रही है, अब मैं आके देख रही हूँ कि एग्जैक्टली ये है कौन। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये कब आए, कहाँ से आए, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं जाके ज्योति से पूछती हूँ। कोई लेडी पॉली बैग में पपीज़ को लेकर गई और डंप यार्ड में सबके सामने उसने फेंका है। माँ का भी कोई अता पता नहीं है, तो हमने अभी फिलहाल तो अपने पास रखे हैं। ये रखना चाहती है 5 पपीज, ये है मदर टेरेसा। मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं प्रैक्टिकल हूँ, प्रैक्टिकल मदर टेरेसा। पीपल लाइक मदर टेरेसा, आई डोंट माइंड बीइंग हेटेड। बटली क्या हो रहा था, कमिंग इनसाइड? हाँ, 5 पपीज ये ले रही है। मुझे पता है हम क्लिनिक है, वी आर नॉट अ शेल्टर। हम कोशिश करेंगे कि हम उनका एरिया ढूंढ पाएं वापस, और दूसरा अडॉप्शन के लिए तो हम हमेशा कोशिश करते ही हैं। अभी मैं फिलहाल उनको फीड करने जा रही हूँ। आज फुलझड़ी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कल ये वॉमिट कर रही थी और साथ ही साथ डायरिया भी हो रहा था। चेकअप के दौरान ये मुंह से फ्रोदिंग भी कर रही थी, साथ ही साथ इसके पेट में कीड़े भी हैं, इसके फीसिस में वॉर्म्स निकले हैं। अब हम इसकी डिवॉर्मिंग करेंगे और साथ ही साथ जो इसकी गैस्ट्राइटिस हो रखी है वॉर्म्स की वजह से, उसको भी ट्रीट करेंगे। अगर आपके पास भी पपी है, अभी वो छोटा सा है, तो उसकी डिवॉर्मिंग करना आप ना भूलें। डिवॉर्मिंग बहुत एसेंशियल है। अगर वो 14 डेज का हो गया है तो उसकी फर्स्ट डिवॉर्मिंग डोज शुरू हो जानी चाहिए। डिवॉर्मिंग इसलिए एसेंशियल है क्योंकि पपीज़ की हैबिट ऐसी होती है कि वो एक जगह पे स्निफ करते रहते हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते रहते हैं चीज़ों को। वॉर्म्स के जो एग होते हैं स्पेशली उनके अंदर चले जाएं और वो लेटर ऑन स्टेज वॉर्म में डेवलप होकर इनको प्रॉब्लम करेंगे। हमारे पास एक डॉग आई थी जिसका नाम कुमकुम था। एक तो वो बहुत ओल्ड थी, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी उसकी, क्योंकि वो एकदम हार्ट के पास था उसका ट्यूमर। सर्जरी उसकी सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन आई जो ज्योति आपको बताएंगी। वो बहुत ज़्यादा ओल्ड डॉग थी तो उसका इम्यूनिटी भी बहुत डाउन था, और जो ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था उसके वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा अभी पेन में थी। उसका ब्लड भी बहुत कम था जो कि हमें ब्लड रिपोर्ट से पता चला। उसके लिए भी मल्टीविटामिन्स वगैरह उसके चल रहे थे। उसको भी पारवो हुआ क्योंकि पपीज़ हम वहाँ आइसोलेशन से बचाने के लिए हम एस्केनर में रख रहे थे जो पारवो वाले पपीज़ हैं उनसे अलग करने के लिए, लेकिन उन तक भी पारवो फैला और उन पपीज़ से फिर कुमकुम को पारवो हुआ। मॉर्निंग में हमने देखा तो उसकी डेथ हो गई। ज्योति बताने वाली थी एक बछड़े के बारे में जो कल हमारे पास रेस्क्यू होके आया है। इसको कोटला से रेस्क्यू किया गया है। सरप्राइजिंगली जो कॉलर थे वो जस्ट अभी 12th पास थे। खुद इसको लेकर आए हैं यहाँ पे। कल उसके थाइज में बहुत बड़ा एक मैगेट वूंड था, है एक्चुअली पूंछ में भी वूंड है काफ़ी ज़्यादा। वो बहुत कोशिश कर रहे थे इसकी केयर करने की, लेकिन कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा था और घाव बढ़ता जा रहा था। हमको रिलीज़ करना ही है टैक्सी को, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है हम इसे यहाँ बुलवा लेते हैं। आज विराट और टैक्सी रिलीज हो रहे, तो मैं ज्योति को ढूंढती हूँ और उससे पूछती हूँ कि दोनों कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहे हैं। मुझे ज्योति मिल गई और ज्योति के साथ ही टैक्सी भी है। इसको यहाँ पे एक इतना बड़ा घाव था, जैसे कि इसको पकड़ने में बहुत दिक्कत जाती है, स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने इसे यहाँ ले लिया ताकि घाव बढ़े नहीं, मैगेट्स ना लगे, और ये बहुत जल्दी रिकवर हो गई है एंड वापस अपने घर जा रही है। यहाँ पे मेरे साथ विराट जी है और साथ ही में ज्योति है। विराट हमारे पास जमानाबाद से आया था, राइट? इसके सर में एक बहुत बड़ा मैगेट वुंड था। उस टाइम हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, बट ये बहुत अच्छे से रिकवर हुआ है और अभी वापस जा रहा है। हम जो दिए बना रहे हैं वो गाय के गोबर के बना रहे हैं, और उस पर जो कलर आप देख रहे हैं ये फूड कलर है, हल्दी का इस्तेमाल किया है और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया है, तो ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। ये वाली जो पैंट्स है, हाँ, ये मुझे भेजी है सृष्टि की फ्रेंड है मेविल जी, दिल्ली से उन्होंने मेरे लिए भेजी है, तो पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू सो मच। ये ब्रांड न्यू नहीं है, ये यूज्ड पैंट्स है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो प्राउड बात होनी चाहिए कि हम लोग एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचा रहे हैं, फैशनेबल भी रह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो फैशन इंडस्ट्री जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसमें हम भागीदार थोड़े से कम बनते हैं, राइट? खुद को बदलने के लिए, वो कम करने के लिए जो हमसे गलत हो जाता है, हमें इस पे ध्यान देना होगा जो हम दुनिया से ले रहे हैं। तो भाई तन ढकने के लिए नए की जगह पुराना कपड़ा ले लिया, प्रोटीन के लिए मीट की जगह दाल खा ली,
अगर हमें उसको बढ़ाना है जो हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना होगा कि भाई हम घर परिवार के आगे दुनिया को क्या दे रहे हैं। और अगर हमें समाज को बदलना है ना, तो इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हमें सबको अवेयर करना होगा। तो उसके लिए इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स, बाय।